आजकल का जीवन विभिन्न तरह के खतरों से भरा हुआ है। मेहनत की कमाई पर चूना न लगे, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। फिर भी जाने अनजाने में हम भूल कर ही बैठते हैं। ऐसा ही कुछ इन लोगों के साथ हुआ। दरअसल जेनेक्स एडवर्टाइजमेंट प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी ने 35,000 की LCD टीवी देने की एवज में प्रतिमाह 7,000 रुपए देने का एग्रीमेंट तय किया था। तय अनुसार नहीं होने पर लोगों को ठगी का एहसास हुआ और लोगों ने कंपनी के मालिक के पास अपनी शिकायत ले गए, लेकिन उल्टा उसने ही उन्हें गाली गलौज या धमका कर वहां से रवाना कर दिया। पीड़ित लोगों ने कंपनी के मालिक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है और उन्हें न्याय और उनकी दी हुई रकम वापस दिलाने की मांग की है। तो चेक के बदले एक ही चेक क्लियर हुआ और एक चेक बाउंस हुआ है और अभी तक उसका मालक फरारी पे था, वो अभी तक मिला नहीं। उसके घर से हमने 35,000 रुपये देने के बाद में हमारे को कोई राशि मिली नहीं हुआ। इसी अपेक्षा है पुलिस वालों से कि उन्होंने उनके घर पे आके उनको अरेस्ट करे और कुछ हमारे को न्याय दिलाए और हमारा पैसा हमें वापस करे। गोपी खोबरागडे जेनेक्स कंपनीला 35,000 रुपये देऊन पैसे घेत दिले होते आणि 3 वर्ष 7,000 रुपये म्हणा येते आणि आता तो आम्ही त्याला पैसे मागायला जातो आमचे। तो वारंवार आम्हाला काय आज येतो उद्या येतो परवा देतो, तर तो कंपनीचे 15 लाख रुपये घेऊन फरार झालेला। आता तो घरी आल्या त्याचा आम्ही त्याला मागायला गेलो तर तो आमच्या अंगावर मारा येऊन राहिला, त्याची लेडीज अंगाला आमच्या अंगावर येऊन राहिले मारासाठी। तर आम्ही आता पोलीस कंप्लेंट केली, रिपोर्ट केली, तरी पण पोलिसांनी आतापर्यंत कारवाई केली नाही। आरोपी चंद्रपूरमध्ये आलेला आहे, त्याला अटक करावी ही विनंती आहे ना, आमचे पैसे आम्हाला परत मिळावं हीच विनंती आम्हाला।